हेलो एवरीवन, स्टोरीटेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपीरियन पोयम की। हाइपीरियन एक एपिक पोएट्री है जिसे 19th सेंचुरी के इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने लिखा। ये टाइटैनोमेशिया पर बेस्ड है। टाइटैनोमेशी ग्रीक माइथोलॉजी में 10 साल तक चली लड़ाई है जिसमें टाइटन्स, जो ओल्ड जनरेशन थी गॉड की, उनकी लड़ाई यंगर जनरेशन्स ओलिम्पियन से हुई। इस इवेंट को वॉर ऑफ द टाइटन्स या बैटल ऑफ द गॉड्स इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यह युद्ध ये डिसाइड करने के लिए लड़ा गया कि गॉड्स की कौन सी जनरेशन का इस यूनिवर्स पर शासन होगा, और इसके अंत में ओलिम्पियन गॉड्स की जीत हुई। तो इस पोयम में टाइटन्स के ओलिम्पियन से हार जाने के बाद के दुख को, डिस्पेयर को दिखाया गया है। ये पोयम कीट्स ने लेट 1818 से स्प्रिंग ऑफ 1819 के बीच लिखी, और इसी समय वो अपने छोटे भाई टॉम की भी देखभाल कर रहे थे, जिसकी 1 दिसंबर 1818 को ट्यूबरक्लोसिस से मौत हो गई। ये एपिक पोयम जिसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, इसे दो कंप्लीट बुक और एक इनकम्प्लीट बुक में डिवाइड किया गया है। बुक वन में 357 लाइन्स है, बुक टू में 391 लाइन्स और बुक थ्री 136 लाइन के बाद बीच में ही छोड़ दी गई। बुक का टाइटल इसके हीरो को इंडिकेट करता है, जो टाइटन्स में से एक और एंशियंट ग्रीक गॉड ऑफ द सन थे। हाइपीरियन कॉयलस यानी गॉड ऑफ स्काई और टेलस यानी गॉड ऑफ द अर्थ के बेटे थे। तो टाइटन्स के राजा सैचर्न थे, जिन्हें उनके तीन ओलिम्पियन बेटों जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो के द्वारा गद्दी से हटा दिया गया, और ओलिम्पियन अपोलो ने टाइटैनिक हाइपीरियन की जगह ले ली। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की, ताकि आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो टाइटन्स में इंक्लूडेड है सैचर्न, जो गॉड्स के किंग है। ओप्स सैचर्न की वाइफ है। थिया उसकी सिस्टर और हाइपीरियन की वाइफ। एनसेलाडस गॉड ऑफ वॉर। ओसेनस गॉड ऑफ द सी और हाइपीरियन गॉड ऑफ द सन। और क्लाइमीन एक यंग गॉडेस। और ओलिम्पियंस में शामिल थे जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सफेद बालों वाले सैचर ने अपनी हार के बाद एक घाटी में एक दूर दराज और छायादार जगह पर शरण ले ली, जहां अब वह पत्थर की तरह बिल्कुल शांत होकर बैठ गए हैं। उनके चारों ओर बिल्कुल शांति थी, और वो एकदम सुस्त और निरुत्साहित लग रहे थे। उनका दाहिना हाथ नर्वलेस जमीन पर किसी डेड बॉडी के हाथ की तरह लग रहा था। उनके हाथों में अब वो डिवाइन रॉड नहीं थी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी किसी टीवी या सीरियल में भगवान को पोर्ट्रे किया जाता है, तो उनका एक स्पेशल हथियार, या जो कह लो जिसमें बहुत पावर होती है, होता है। तो शायद सैचर्न से हारने पर उनकी डिवाइन रॉड छीन ली गई है, और अब वो गहरी निराशा में वहां आंख बंद किए हुए बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई भी फोर्स सैचर्न को उनकी इस स्थिति से जगा नहीं पाएगी, लेकिन कोई था जो उन्हें जगाने के लिए आया, और वो थी थिया, जो सन गॉड हाइपीरियन की वाइफ थी, और वो भी हारी हुई पार्टी की सदस्य थी और दुखी थी। उसने सैचर्न को जगाते हुए कहा कि वो उसे कोई आराम नहीं पहुंचा सकती, और वह यह अच्छी तरह से जानती है कि उसने यानी सैचर्न ने अपनी सारी शक्ति और अपना अधिकार खो दिया है। और थिया ने कहा, आप जब तक चाहें ऐसे ही शांत आंखें बंद किए रहें, मैं आपके पैरों में बैठकर रोती रहूंगी। तो ये सुनकर सैचर्न ने अपनी आंखें खोली, अपने आसपास देखा और ये रियलाइज किया कि अब वो एक अपदस्थ सम्राट थे, जिसने अपना सारा साम्राज्य खो दिया है।
उन्होंने थिया से कहा कि मैंने न सिर्फ अपना साम्राज्य बल्कि अपनी पहचान, अपने रियल सेल्फ को भी खोया है। और उन्होंने थिया से पूछा कि क्या साम्राज्य को वापस पाना संभव होगा। वो कहते हैं कि अगर उन्हें कहीं और कोई फॉर्मलेस स्टेट का मैटर मिलता है तो वो एक दूसरा यूनिवर्स बना देंगे। इस पर थिया उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें अभी अपने साथी टाइटन से मिलने जाना चाहिए, जिन्होंने एक जगह पर आश्रय लिया है जहां थिया उनका मार्गदर्शन कर सके। थिया चाहती थी कि सैचर्न को अपने हारे हुए साथी टाइटन्स को फिर से ज्वाइन कर उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, और फिर वे दोनों अपनी यात्रा पर निकल आते हैं। अब कुछ पराजित टाइटन्स को विजयी गॉड्स द्वारा पकड़ लिया गया था और बंदी बना लिया गया था। कुछ अन्य टाइटन्स बुरी हालत में दुनिया में भटक रहे थे, पर बड़ी मात्रा में कई टाइटन्स ने उस जगह पर शरण ली थी जहां थिया सैचर्न को लेकर जा रही थी। हालांकि एक टाइटन था जो अभी भी नहीं हारा, जिसका अपने क्षेत्र पर अभी भी बोलबाला था, और वो और कोई नहीं हाइपीरियन था, द गॉड ऑफ द सन। लेकिन हालांकि हाइपीरियन जो एक शानदार और उज्जवल महल में रहता था और जिसने सूर्य के धधकते हुए ग्रह की कमान संभाली थी, अब वह कुछ अपशकुनों से मेंटली डिस्टर्ब था, जो यह संकेत देता था कि वह भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था और उसके अधिकार को भी खतरा हो सकता है। लेकिन हाइपीरियन ने अपने सारे डर को खत्म किया, अपनी सारी स्ट्रेंथ और विल पावर इकट्ठा की और ये डिक्लेयर किया कि वह अपने भयानक दाहिने हाथ से यानी राइट हैंड का यूज जोव यानी जुपिटर के दिल में आतंक फैलाने के लिए करेगा। जिसने सैचर्न की अथॉरिटी के अगेंस्ट विद्रोह किया और हाइपीरियन सैचर्न के सिंहासन को भी फिर से स्थापित करने में सफल होगा। सूरज उगने में अभी भी कुछ घंटे बचे थे। हाइपीरियन अपने दिन की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार था, और चूंकि वो अपना दिन शुरू करने के लिए अधीर था, लेकिन वो नियत घंटे के पहले ऐसा नहीं कर सकता था, जो ये दिखाता है कि गॉड्स भी जो एक टाइम सेट किया गया है, जो सीजन सेट किया गया है, उसमें अड़चन नहीं डाल सकते। तो इसलिए हाइपीरियन बचे घंटों के लिए लेट गया। चूंकि उसने जोव से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन फॉर्म किया था, लेकिन तब भी उसका दिमाग शांत नहीं था। अपने वर्चस्व को खतरे में डालने का डर अभी भी उसके दिमाग पर छाया हुआ था, और तब उसने अपने कानों में किसी को फुसफुसाते हुए सुना, और ये उसके पिता यूरेनस की आवाज थी जो अब स्वर्ग में कहीं से उनसे बातें कर रहे थे। और यूरेनस ने हाइपीरियन से कहा, तुम मेरे बच्चों में सबसे बुद्धिमान हो, तुम रहस्यमय परिस्थितियों में जन्मे थे और तुम्हारे जन्म का रहस्य तुम्हारी माँ और मुझे भी नहीं पता था। तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई बहन भी सुंदरता की अभिव्यक्ति हैं और इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि गॉड्स और गॉडेसेस के बीच सिविल वॉर हो गया, जिसके कारण मेरा एल्डेस्ट बेटा सैचर्न हार गया और गद्दी से हटा दिया गया, और मैं उसकी मदद भी नहीं कर पाया। पर तुम मेरे बेटे अभी भी अपने साम्राज्य पर राज कर रहे हो। मैं चाहता हूं तुम धरती पर जाओ और सैचर्न और बाकी देवताओं से मिलो, और उन्हें जो मदद चाहिए तुम उन्हें मदद पहुंचाओ। ये बुरा संकेत है कि जबकि आप सबने अपने राज्य में गरिमा से शासन किया, और अब आप सब डर रहे हैं, गुस्से में हैं और आशा में हैं, जो कि मनुष्यों का गुण है, देवताओं का नहीं। ये शब्द सुनकर हाइपीरियन उठा, अपने प्लैनेट को अपने पिता के भरोसे छोड़कर गहरी रात में अपने साथी टाइटन से मिलने नॉइजलेस तरीके से पृथ्वी पर नीचे गया, और बुक वन इस तरह से खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। Thank you.